मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये वारदात हमको पता चला, हमारे गुरु सलमान चौधरी सलमा किन्नर ने मुझे भेजा। मैं निहार का ट्रांसजेंडर ट्रांस वेलफेयर की अध्यक्ष हूँ और हमारी गुरु भी समाज सेविका हैं और वो जो हमारे राष्ट्रीय किन्नर अध्यक्ष हैं और हमारा चर्च चलता है। जब हमें ये वारदात पता चला भैया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा, तो हम यहाँ पे आए बढ़ चढ़ कर हमारे ट्रांस कम्युनिटी। क्या वारदात क्या था, हकीकत खुल के बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। वारदात कहेंगे तो लोग सस्पेंशन में रहेंगे कि हकीकत क्या है मामला। वारदात ये है कि वहाँ के सिंधोरा ग्राम का ये वारदात है और वहाँ के जो प्रधान हैं एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ छेड़खानी किए, उनको मारे पीटे और उनके साथ घरेलू हिंसा किए और वहाँ के प्रशासन अभी तक ढीली है। 4 महीना का ये वारदात है और उन्होंने अपने चोट घाव जो है वीडियो क्लिपिंग के द्वारा मुझे दिखाई। मैंने देखा कमिश्नर सर के साथ पास आई गुहार लगाने और इसके बारे में कमिश्नर सर ने मुझे संतावना दिया है, पीड़ित परिवार को संतावना दिया है कि आप जो है उचित से उचित कार्यवाही करेंगे। महिला की अगर बात करी जाए तो महिला का बताया जाता है कि प्रधान पुरुष देश है, महिलाओं की जिस तरह से बात, तो महिलाओं चढ़ बढ़ के लोग कहते हैं कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां, वही बेटियां महिला बन जाती है और महिलाओं पर इस तरह से जैसा आप बताएं कि प्रताड़ित किया जाता है, तो आप लोगों की क्या जरूरत पड़ गई? अब महिलाओं के साथ और कोई नहीं था, महिलाओं के साथ पुरुष नहीं आए होंगे तो हम लोग आए, हमारी ट्रांस कम्युनिटी आई, हमारी महिला समाज आई, हमारी दीदी आई, महिला प्रकोष्ठ की है। अच्छा, हम लोग आज समाज ने हम लोगों को इस तरीके से वहाँ पे इस पोजीशन पे ही रखा है कि हम लोगों को अगर स्त्री और पुरुष अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जरूर वहाँ नहीं। ठीक है, लेकिन महिला के साथ जिस वारदात होता है, क्या पुरुष नहीं है लोग? साबित करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। यही कि हम लोग कहीं ना कहीं अगर कोई इसका मतलब कि पुरुष भी आप लोग भारी हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष नहीं कर सकता, वो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। भले से आप लोग अपने से हट के हम लोग को माने कि नहीं हमारी ट्रांस जो है अलग होती है, लेकिन हम लोग आप लोग को अलग नहीं मानते हैं। बताइए, हम लोग अपने अपने काम को छोड़कर, हम हैं बिजनेस कंसल्टेंट, उसके बावजूद हम यहाँ पे आए, क्यों आए? क्योंकि हमारे समाज का ये हिस्सा है, अगर उस महिला के साथ आज वैसा हुआ, अगर मेरे साथ अगर यही महिलाएं हमें सपोर्ट करती है तो क्यों ना आज हम लोग। महिलाओं के लिए तीन अगर देखा जाए तो 3 कानून पास हुआ, बहुत बढ़िया कानून पास हुआ, यहीं के सांसद हैं SSP प्रधानमंत्री और बहुत महिलाएं खुश थी कि हम लोग के लिए कानून पास हुआ। तो क्या वजह कि सिर्फ कानून पास होने के बाद भी महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं? कानून तो बहुत सारी चीजों का, प्रधान का नाम यादव है। इसी तरीके से अगर कानून किसी भी चीज का बनता है उसको प्रोफाउंड करना, उसको इंटरप्रेट करना तभी होगा जब हम लोग शिवानी पटेल लाइफ में उस चीज। तो पूरा मामला क्या था कि उन लोगों को मारा गया, क्यों मारा गया? शायद उन लोगों का आपसी मामला था और जमीन वगैरह और रास्ते का मामला था, इस वजह से उन लोगों को लाठी चार्ज किया गया। वहाँ पे कुछ पीड़ित परिवार है, आप जाके अच्छे से उन लोगों को पूछ सकते हैं। उसमें आप लोग आए हैं जी, बहुत बड़ी महान है, मानता है कि जहाँ लोग कहते हैं पुरुष अपने आप को साबित तो कर देते हैं लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अमल नहीं कर पाते, ऐसे लोग जाके आईना बन के खड़ा होते हैं और दिखाते हैं। क्या समझ यहाँ पे पुरुष लोग का बस खाली यही है, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष खाली यही होते हैं कि औरतों से विवाह करो, बच्चा बनाने का वो होते हैं और बस खाली है कि तुम उनके ऊपर जुल्म करो, अत्याचार करो, उनको मारो पीटो। अगर कोई दबी स्तर की स्त्री है, पुरुष मतलब महिला है, तो उनके ऊपर और प्रताड़ित करो। जैसे हमारे प्रधान लोग हैं, प्रधान तो जीत जाते हैं, प्रधान बड़े बड़े वोटों से बन जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते तो आपने देखा ही होगा कि कैसे प्रताड़ित किया गया, कैसे मारपीट की गई, कैसे कैसे उसके गुप्तांगों को भी टच कर गया। अच्छा, बहुत पार्ट्स पे भी टच किया गया। शिवानी पटेल है पीड़िता का नाम और जो जिसने किया, क्या बताया था भैया, अश्वनी पटेल वहाँ के प्रधान है। और मैं तो ये गुहार लगाऊंगी सरकार से, अश्वनी पटेल के खिलाफ उचित से उचित कार्यवाही किया जाए, नहीं तो हमारा सारा किन्नर समाज एकजुट होकर के उनके ऊपर एक्शन लेगा। चलिए, आप हैं समाज से भी, देख सकते हैं ये समाज से भी हैं, कैसे आपको पता चला कि इन लोगों के साथ ऐसी घटना घट गई? मुझे पता ऐसे चला कि मैं तो यहीं पे आई हुई थी अपने काम से, तो इन लोगों ने बातों किया तो बातों की वजह से। महिला संगठन बहुत तमाम है, मैं देखता हूँ महिलाओं के लिए आप लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये सब महिलाओं के साथ जिस तरह से हो रहा है कब तक चलेगा? वो भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का अगर देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र है, सारी चीजों को जल से। उनको दुर्गा चंडी का रूप बोलते हैं और दुर्गा चंडी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हमारे प्रधान मुखिया लोग करते हैं जो आज तक अभी चला आया, पहले होता था जातिवादी होती थी, सारी कुछ किया जाती थी, लेकिन अभी फिर से हिस्ट्री। महिला के साथ कौन सा जातिवाद किया जाएगा बताइए? महिला तो महिला, महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ और पीड़ित महिलाएं वहाँ पे हैं और वहाँ के साथ बहुत सारी पीड़ित महिलाएं हैं। मैटर ये मवैया कोई गाँव है सिंधौरा का,
छिंदौरा का। छिंदौरा का। अभी आप लोग क्या मतलब क्या दिलासा यहाँ से मिला है आप लोग? अभी दिलासा ये मिला हमारे कमिश्नर सर ने बोला है कि इसका उचित से उचित जो है कार्यवाही की जाएगी, उस पर मेडिकल जो जितनी चीजें हैं उस पर जाँच पड़ताल होगी। और जो मेडिकल डॉक्टर ने भी सीधे बोल दिया कि नॉर्मल है रिपोर्ट, उतनी ब्लैक स्पॉट के बाद भी डॉक्टर बोला है रिपोर्ट। अच्छा ये बताइए ब्लैक स्पॉट के बाद भी नॉर्मल रिपोर्ट कैसे हो जाता है? एक छोटा सा चोट या फ्रैक्चर हो जाता है तो तुरंत एक्सरे करा करके उसमें प्लास्टर या सारे बैंड होते हैं, मेडिकल विभाग ने कैसे उसको बोल दिया? आप लोग चाहते क्या है लास्ट में? मैं आपसे चाहते ये है कि जो अपराधी पटेल जी हैं प्रधान, उनको अश्वनी पटेल जी, मैं तो उनको जी तो नहीं बोल रहा हूं। मैडम मैडम एक सवाल आपसे होगा, प्राइवेट पार्ट पे जो टच किया गया है, मारा पीटा गया है, जो घाव है उस घाव को लेकर आप क्या कहेंगे? नॉर्मल है? बहुत एकदम संदिग्ध है घाव, हो सकता है कल के डेट में वो सी कैंसर, हाँ वो कैंसर का रूप भी ले सकता है, क्योंकि आजकल जानते हैं छोटी छोटी चोटें हैं वो बन जाती हैं। अगर सुनवाई नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? कार्रवाई क्या होगी? हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, फिर देखेंगे हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, हमारी सारी ट्रांस कम्युनिटी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के आएंगी। जब पुरुष नहीं आ रहे तो हमारी महिलाएं हमारी ट्रांस कम्युनिटी, शर्म की बात नहीं है कि जो पुरुष अपने आप को कहता है कि मैं पुरुष पुरुष प्रधान दे, पुरुष है तो खाली बच्चा पैदा कराने के लिए घर में पुरुष है, या कि प्रताड़ित करो खाली शादी करके ले जाओ और देवता मानो पुरुष ऐसे। अगर हम लोग इक्वालिटी की बात करते तो इक्वालिटी सबसे होती है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब चाहे वो मैन हो फीमेल हो सबको बराबर कहा जाता है। अगर आप पुरुष हो के आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो, हम एक ट्रांस है तो हम ये ट्रांस तो है चलो हटो इसकी क्या इज्जत क्या वैल्यू, तो अगर ऐसे रहेगा तो सर आप इतना ही रहने दीजिए। बिल्कुल चलिए बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने समय दिया और सहयोग करिए। बिल्कुल चलिए आप देख